खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है, जहां शहर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में बने नवीन ऑडिटोरियम में स्केच आर्टिस्ट विभूति मिश्रा द्वारा 50x80 फुट का मेडिटेशनल पोर्ट्रेट तैयार किया गया है, जिसे बनाने में उसे वह उसके दो सहयोगियों को 2 दिन का वक्त लगा। इसके पूरे निर्माण में सेनेटरी नैपकिन, कैल्शियम आयरन व विटामिन की टेबलेट का उपयोग किया गया है। खास बात यह है कि छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन की उपयोगिता के साथ साथ खून की कमी जैसे गंभीर विषय पर जागृत करना, जहां इसका मुख्य उद्देश्य था, वही इस पोर्ट्रेट में प्रयोग की गई सारी दवाइयां वह नैपकिन उन्हें वितरित की जाएगी, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जाएगा कि अब जमाना बदल रहा है, आप भी इससे समाज और इसके उपयोग में आगे आइए। सेनेटरी नैपकिन कैल्शियम विटामिन मिनरल्स के साथ तैयार किया गया ये पोर्ट्रेट न केवल भारत बल्कि एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है। इस कार्य में स्केच आर्टिस्ट विभूति मिश्रा के अलावा नीरज कुमार विकास वर्मा ने भी सहयोग किया है। इस पूरे कार्यक्रम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भेजा जा रहा है, जो उसके बाद इस पोर्ट्रेट को देश का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट का दर्जा मिलेगा। साथ ही विभूति मिश्रा ने यह भी बताया कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने के साथ साथ ये अब तक की विशेषकर मेडिसिनल पोर्ट्रेट है, जो एशिया में सबसे बड़ी है। इस पोर्ट्रेट में लगभग 6000 सेनेटरी नैपकिन, 10000 आयरन, 20000 कैल्शियम व मल्टीविटामिन गोलियों के स्क्रिप्ट लगाए गए हैं, जिसे जल्द ही शहर के कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में बच्चियों में बांटा जाएगा। पोर्टल को देखने के लिए महाराजा पब्लिक स्कूल की छात्राएं पहुंची हैं। इसके अलावा GDC की बच्चियों ने भी यहां पहुंचकर उसे देखा और समझा है। नमस्कार, मेरा नाम विभूति मिश्रा है, मैं रीवा शहर से स्केच आर्टिस्ट हूँ। बहुत समय से मेरे दिमाग में था कि मुझे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये मैं लड़कियों को लेकर के कुछ एक ऐसा प्रोग्राम करूं जिससे अवेयरनेस भी हो जाए और रिकॉर्ड भी बन जाए। तो मैंने 4000 स्क्वायर फिट का, पीछे देख सकते हैं आप, एक पोर्ट्रेट बनाया है जो कि दो लड़कियों का है। एक लड़की जिसे अभी अभी पीरियड्स आए हैं, उसका आप चेहरा देख सकते हैं, वो मायूस हो रखी है, और दूसरी जो कि पीरियड से अब यूज टू हो गई है। ये दोनों ही लड़कियों को बनाने में मुझे आयरन, कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट्स का यूज हुआ है, और साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स यूज किए हैं मैंने। प्रोग्राम कंप्लीट होते ही, मेरा रिकॉर्ड बनते ही, मैं इसको, जो कि बन चुका है रिकॉर्ड, मैं बता दूं आपको, और ये प्रोग्राम होते ही मैं इसे 20+ स्कूल्स में खुद जाऊंगी, हमारी पूरी टीम जाएगी, और हम इसे अवेयरनेस को पूरे शहर में फैलाएंगे कि पीरियड्स के दौरान आपको मतलब कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए क्या क्या आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके लिए ही मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया है, और प्लीज़ आप सभी आएँ GDC कॉलेज में, ये 2 दिन के लिए रहेगा, सब देखें और सब मोटिवेट हो के जाएँ और मोटिवेट करें। थैंक यू, हैप्पी पीरियड्स।